ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज ड्रिफ्टिंग लाइक अ वेव ऑन द ओशन एंड बीइंग एज फ्री एज द विंड। अर्थात ध्यान सूत्र कहता है कि ध्यान सागर में लहर की तरह तैरना है, होना है, और हवा की तरह स्वतंत्र होना। जैसे सागर में लहरें ड्रिफ्ट हो रही हैं, तैर रही हैं, विचरण कर रही हैं, ऐसे ही ध्यान घटता है। ध्यान की अवस्था ऐसी ही है। और जैसे हवा स्वतंत्र है, आज़ाद है, ऐसे अब सागर में लहरों का यहाँ से वहाँ यात्रा करना, ये जो प्रतीक है जो ध्यान सूत्र ने लिया है, ये इतना सुंदर है कि ये अनुभूति कि हम हैं उस सागर के ही हिस्से, हम उससे अलग नहीं। लहर का बोध होना सागर का बोध होना है। लहर के नीचे वही विराट सागर है। तो जब कोई ध्यान में प्रवेश करता है, ध्यान को समझता है, तो जल्दी ही वो उस विराट अस्तित्व के संपर्क में आ जाता है। और जब हमने उसको जाना, तो किसी भी लहर की कोई अपनी अस्मिता की लड़ाई नहीं रह जाती, क्योंकि लहरों को ये पता होना चाहिए, और होता ही है उनको, लहरों को तो होता ही है, मनुष्य को नहीं होता, कि लहरें तो उस सागर से ही उठी हैं, उसी में गिरेंगी। कुछ परिस्थितियाँ, कुछ हवाएं उनको ऊंचा नीचा करती हैं, लहरों को छोटा बड़ा करती हैं। कितनी दूर तक लहर उठेगी, कितनी दूर तक गिरेगी, ये सब परिस्थितियाँ तय करती हैं। लेकिन मूल तो सागर ही है जहाँ से लहर उठी है। तो जब ध्यानी के जीवन में ये बोध घटता है, वो अवस्था ही गहरे ध्यान की होती है कि कोई अलगाव नहीं है स्रोत से, यानी कि जो हमारा होना, हमारी विराटता है, उससे कोई अलगाव नहीं है। वो सागर हुआ, और लहरों की तरह गतिशील होना, यात्रा करना, जहाँ वो लहर ले जाए वहाँ चले जाना। और सूत्र कहता है कि उतना ही स्वतंत्र होना जितना हवाएं हैं। हवाओं में क्या बंधन है, कहीं भी जाती हैं, कोई मत, विश्वास, मजहब, राष्ट्र उनको नहीं बांधता, स्वच्छंद है। हवाओं की तरह हल्के होने के कई अभिप्राय हैं, उनकी तरह स्वतंत्र होने के अभिप्राय, यानी कि हवाएं तुमको हल्का बनाती हैं, निर्भार बनाती हैं। तो जब हम अपने भीतर निर्भार होते हैं, अपने भीतर इकट्ठा किया हुआ पूर्वाग्रहों, संस्कारों, मान्यताओं का बोझ हम हटा पाते हैं, हम हल्के होते हैं, हवा की तरह हम उड़ सकते हैं, और वो स्वतंत्रता जिसके ऊपर कोई बंधन आरोपित नहीं है, वो हमारे हृदय में विराजमान होती है। इसीलिए सूत्र कहता है हवाओं की तरह स्वतंत्र होना, यानी कि स्वतंत्र होकर किसी विशेष मान्यता में नहीं कैद हो जाना। मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता की, मुक्ति की भी कई अवधारणाएं हैं, और ये एक नया बंधन है। अगर हम बंधन की एक अवधारणा से हटकर मुक्ति की एक अवधारणा में बंद हो जाएं, तो एक नए किस्म का बंधन है। जिसको हम बंधन में गया व्यक्ति कहते हैं, वो एक किस्म के बंधन में है। और अगर उसके पास मुक्ति की भी कोई अवधारणा है, तो एक नए किस्म का बंधन बन जाएगा। हवाओं की तरह स्वतंत्र होने का अर्थ है कि कोई पहले से बना बनाया ढांचा नहीं है। लहरों की तरह अनुभव कर लेने का भी अभिप्राय वही है कि कोई पहले से बना बनाया ढांचा नहीं है कि कैसा होना है, हम क्या जाने। हवाओं का अपना ढंग है, लहरों का अपना ढंग है, पहले से क्या बताया जा सकता है। बस इतना तय है कि हमारा जीवन अब अस्तित्व की उन तरंगों, उन हवाओं के साथ बहेगा। अस्तित्व ही मार्गदर्शन करेगा, अस्तित्व की लहरें जिधर ले जाएंगे, अस्तित्व की हवाएं जिधर ले जाएंगी, उधर बह जाएगा व्यक्ति।
ये मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ ही यही है कि सारी अवधारणाओं से मुक्ति, चाहे वो बंधन की हो चाहे मुक्ति की हो, और अपने जीवन की उस विराटता से संयुक्त होना। अब विराटता क्या है? यूँ तो लगेगा विराटता शायद कोई बड़ी रहस्यमय बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा चैतन्य होकर हम देखेंगे हमारे भीतर की वो जो नाम रहित रूप रहित सत्ता है जो कभी बदली नहीं, जब से हमने होश संभाला और इस क्षण तक जब मुझे सुना जा रहा है तब भी भीतर कुछ ऐसा परिदृश्य है जो पूरी तरह से अपरिवर्तनशील रहा है, तटस्थ है, और वही हमारा होना है और वही विराटता है। तो अपने होने के उस गहरे तल से संयुक्त रहना, उसी को हम कहेंगे अपने स्रोत के साथ संयुक्त रहते हुए, जुड़े रहते हुए जीना। और उसमें जो मुक्ति है वही परम मुक्ति है, उसमें कोई भी अवधारणा नहीं है, सारी अवधारणाएं उसमें अवशोषित कर ली जाती, अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। तो यही सूत्र का अभिप्राय है कि ऐसे ही हो जाओ लहरों की तरह, हवाओं की तरह, निश्चिंत, बेफिक्र, कोई परवाह नहीं। हवाओं लहरों को क्या परवाह है, लेकिन उनकी अपनी एक निश्चिंतता भी है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अस्तित्व के ही घटनाक्रम का, उस विराटता के ही किसी आयोजन का एक ढंग है। तो हमारा होना किसी भी क्षण कैसा भी हो, अगर हम ये देख पाएँ कि ये उस पूरी विराटता का, पूरी समग्रता का, पूरी टोटलिटी का ही कोई आयोजन होगा, तो हमारे भीतर से सारा बोझ हट जाता है, अधिकता का, कमी का, इन्फीरियोरिटी का, सुपीरियोरिटी का, हर चीज़ का भाव और बंधन और बोझ हमारे भीतर से हट जाता है। और जब वो हटता है तो निश्चित ही फिर हम लहरों हवाओं की तरह स्वच्छंद, स्वतंत्र, उल्लास में, आनंद में जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं। इसीलिए सूत्र कहता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस तरह से हो जाना। और जब हम इस तरह से हो जाते हैं, वही अवस्था ध्यान की अवस्था है, ध्यान पूर्णता की अवस्था है। Thank you.